मूंगफली की फसल की बात करेंगे दोस्तों, तो मूंगफली की फसल बहुत ही अच्छी है और शानदार मूंगफली की फसल खड़ी है। अभी तक तो किसी प्रकार की कोई इसमें परेशानी नहीं है ये मूंगफली की फसल में, और मूंगफली है वो बहुत ही बढ़िया अभी तक खड़ी है। जहाँ पर भी देखेंगे तो किसी प्रकार से सेवल सफ़ेद मच्छर जो थोड़े बहुत हल्के दिखाई दिए हैं, बाकी इसके अलावा पत्ते वगैरह में किसी प्रकार के कोई छेद वगैरह नहीं देखने पड़े, और मूंगफली अभी तक जो है अच्छी कंडीशन है। चलिए दोस्तों, मैं सामने वाले कैमरे से आपको दिखाता हूँ। मैं ही हूँ दिनेश चंद पाटीदार और आप देख रहे हैं डीके वेगड़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल की सदस्यता लें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की जो वीडियो हैं उनको शेयर करें, जिससे कि दोस्तों हम आपको इस प्रकार से एग्रीकल्चर की सारी जानकारियां जो भी हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो सारी आपको देते रहेंगे। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए, तो हम उसके आधार पर आपको वह जानकारी अवेलेबल कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए सामने से देखते हैं मूँगफली की फसल कैसी कंडीशन है। ये है दोस्तों मूंगफली का फसल, और बरसात जो कल हुई थी वो मूंगफली के फसल और सोयाबीन के फसल के लिए काफ़ी अच्छी वरदान साबित हुई है। एक तरह से जो मुरझा गई थी फसल, मरने के लायक थी, मरने के कगार पर पहुंच चुकी थी और कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। पानी की काफ़ी ज़रूरत थी और पानी की आवश्यकता बहुत ही तेज हो रही थी, जिसके कारण दोस्तों अब बरसात जो समय पर कल पहुंच गई है, और कल बरसात हमारे इलाके में हुई थी और जिस फसल को बरसात की ज़रूरत थी उस फसल को बरसात मिल गई है, उससे थोड़ी उसकी कंडीशन में सुधार आया है। मूंगफली की फसल देखेंगे दोस्तों तो ऐसी ये कंडीशन हो चुकी है और यहाँ तक ये इतनी सारी मूंगफलियाँ अभी इसके लग रही हैं। अगर गिनेंगे तो कम से कम 15 से 20 मूंगफली ज़रूर इसको आपको देखने को मिलेगी, और ये कंडीशन मूँगफली की आपको देखने को मिलेगी। और पूरा ये अगर पास में दिखाऊँ तो ये इस प्रकार से कहीं कहीं हल्के सफ़ेद मच्छर हैं, लेकिन इसके अंदर पूरे पौधे में आपको कहीं से कहीं तक कोई रोग नहीं दिखाई देगा। तो बिल्कुल अभी तो साफ़ सुथरा जगह है और अच्छी ये जो है कंडीशन है, और उत्पादन भी अभी प्रभावित नहीं होगा क्योंकि अभी फिर बारिश आ चुकी है, तो पहले उत्पादन प्रभावित होने की संभावनाएं थी, लेकिन अब जो है उत्पादन प्रभावित होने की कम संभावनाएँ हैं क्योंकि ये पूरा प्लाट है, लंबा चौड़ा मूँगफली का पूरा खेत है और उत्पादन भी अच्छा होने की संभावनाएँ लग रही हैं दोस्तों। इसी वीडियो में दोस्तों मैंने कल सोयाबीन भी दिखाई थी, तो सोयाबीन की कंडीशन कल की हालत बहुत ही ख़राब थी, पानी की आवश्यकता थी और ज़मीन फट चुकी थी, लेकिन आज की जो मैं कंडीशन बताऊं तो दोस्तों ये सोयाबीन की कंडीशन है, इस प्रकार से ये फलियां हैं और ज़मीन जो है वो फिर से एक बार पानी जो बरस गया है तो पानी ज़रूर आया है, उसकी वजह से सोयाबीन की फसल एक बार और जो है वो पकने के कगार पर पहुँच सकती हैं। ये इस प्रकार की जो फलियाँ हैं, ये फलियाँ इस प्रकार से ये बन चुकी हैं, इस प्रकार से इसके अंदर दाना बनेगा बिल्कुल ही। और जो पानी बरसात की वजह कम थी, बरसात की ज़रूरत पड़ रही थी, अंतिम दौर था और अंतिम दौर में जो सोयाबीन सुखाने के कगार पर पहुंच गई थी और कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, पत्ते भी कहीं कहीं इस प्रकार से पीले वीले होने लगे थे, लेकिन अब जो फिर बरसात हो गई तो इसको फिर एक बार जीवन दान मिला है और जीवन दान के साथ ही ये जो फसल हैं वो अच्छे से पकने के कंडीशन में पहुँच गई हैं। तो देखते हैं अब लास्ट टाइम और भी क्या बरसात की आवश्यकता होती है और कितनी सोयाबीन जो हैं अच्छी पक पाएगी या नहीं पक पाएगी, या फिर और भी बरसात की ज़रूरत पड़ेगी इसको, तो कितना क्या फिर उत्पादन बैठता है और किस कंडीशन में किस एवरेज से जो सोयाबीन का उत्पादन बैठेगा वो पूरा लास्ट टाइम तक डिपेंड करेगा दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट टाइम में अभी हम जो हैं पूरा नहीं बता सकते क्योंकि अभी इसको और भी बरसात की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी तेज़ बरसात नहीं हुई, तो लगभग समथिंग एक बरसात और होगी तभी जाके इतनी बढ़िया ये सोयाबीन पक पाएगी, क्योंकि देरी वाली सोयाबीन है, देरी से बुआई की गई थी, जो पहले आगे थी सोयाबीन थी बुआई की गई थी वो ज़रूर अभी तक तो पक चुकी हैं, लेकिन जो पीछे थी जो सोयाबीन थी जिन क्षेत्रों में लास्ट टाइम में जो बरसात हुई थी और बुआई हुई थी उन इलाकों में सोयाबीन अभी तक नहीं पकी हैं, तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो पूरी ग्रीन ग्रीन सोयाबीन अभी तक खड़ी है उन इलाकों में।